नमस्कार, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे JNU वर्सेस ड्यू, विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट। आज की वीडियो आपको समझाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेस्ट है। वैसे तो दोनों ही यूनिवर्सिटी इंडिया की बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1969 में हुई। यह यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्थित एक बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर रखा गया। वहीं अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1922 में हुई। ड्यू एंड JNU दोनों को कंपेयर करने के लिए कुछ पॉइंटों का उपयोग करते हैं। नंबर एक, रैंकिंग। JNU को 2020 की NIR रैंकिंग के अनुसार ऑल इंडिया में सेकंड रैंक प्राप्त हुई। वहीं अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को 2020 की NIR रैंकिंग के अनुसार ऑल इंडिया में 11वां स्थान प्राप्त हुआ। अगर हम रैंकिंग के अनुसार बात करें तो इसमें JNU ज़्यादा बेस्ट है। नंबर दो, फैकल्टी। अगर हम दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टी की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ की जो फैकल्टी है वो काफ़ी अच्छी है। फैकल्टी के मामले में किसी भी एक यूनिवर्सिटी को ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ की जो फैकल्टी हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। नंबर तीन, फीस। अगर हम फीस की बात करें तो ड्यू की फीस JNU के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण JNU में एक गरीब वर्ग वह मध्यम वर्ग का जो स्टूडेंट्स है वो भी आसानी से स्टडी कर सकता है। फीस के मामले में भी JNU ज़्यादा बेस्ट है। नंबर चार, JNU PG कोर्सेज के लिए ज़्यादा बेस्ट है, जबकि जो ड्यू है वो UG कोर्सेज के लिए ज़्यादा बेस्ट है। नंबर पाँच, हॉस्टल। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो JNU में हॉस्टल की काफ़ी अच्छी सुविधा है। वहीं अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ ही कॉलेजेस में हॉस्टल की सुविधा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल चार्ज JNU के हॉस्टल चार्ज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। नंबर छः, प्लेसमेंट। अगर हम दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ की प्लेसमेंट की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी तक का हाईएस्ट पैकेज 37.7 लाख पर एनम रहा है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर हम JNU की बात करें तो इसकी जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी रहती है। नंबर सात, ड्यू में टोटल 77 कॉलेजेस हैं। कुछ कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस में स्थित हैं एंड कुछ कॉलेजेस साउथ कैंपस में स्थित हैं, जिन सभी कॉलेजेस की जो बाउंड्री हैं वो अलग अलग हैं। वहीं अगर हम JNU की बात करें तो JNU की एक प्रॉपर बाउंड्री है। नंबर आठ, क्राउड। अगर हम दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में क्राउड की बात करें तो ड्यू का क्राउड JNU के कंपेयर में 25-30 गुना अधिक है। क्राउड के मामले में ड्यू ज़्यादा बेस्ट है। नंबर नौ, डाइवर्सिटी। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस कारण बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि उन्हें इन यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करने का मौका मिले। नंबर दस, फैसिलिटीज़। अगर हम दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में फैसिलिटीज़ की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरी, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, लैब्स, ऑडिटोरियम, जिम, कैंपस में वाईफाई सुविधा, बैंकिंग फैसिलिटीज़, पोस्ट ऑफिस फैसिलिटीज़ जैसी और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। नंबर 11, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। अगर हम दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छी खासी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, जिसमें आप हॉकी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, पावर लिफ्टिंग, एयर लिफ्टिंग, चेस, कैरम, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल जैसे और भी काफ़ी सारे खेल खेल सकते हैं। नंबर 12, UPSC। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली में स्थित हैं। दिल्ली में UPSC के कोचिंग की काफ़ी अच्छी खासी सुविधा है। दिल्ली में गोल्ड राजेंद्र नगर एंड मुखर्जी नगर भी स्थित हैं। नंबर 13, एलुमनाई। अगर हम JNU के एलुमनाई की बात करें तो इसमें अभिजीत बनर्जी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण एंड कन्हैया कुमार जैसे नाम शामिल हैं। वहीं अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनाई की बात करें तो इसमें उर्वशी रौतेला,
शाहरुख खान, अनुराग कश्यप, शक्ति कपूर, अमिताभ बच्चन, मल्लिका शेरावत, मौनी रॉय, टीना डाबी जिन्होंने 2015 में यूपीएससी टॉप किया, राजकुमार राव, ऋषभ पंत, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रवीश कुमार, अंजना कश्यप, रजत शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। आज के इस वीडियो में बात की JNU वर्सेस ड्यू। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो अप्लाई कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।